नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने अध्याय में होटूपुर की कहानी में हम पेड़ों के बारे में जाना कि कैसे मैंने आपको पेड़ों की महत्वता का वर्णन किया, उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि कैसे वहाँ के बच्चों को भी इसके लिए तैयार किया जाता है, उन्हें भी इसी तरह के संस्कार दिए जाते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। लेकिन फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से हमारी कहानी। आखिर क्यों अलग दिखता था यह गांव? हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े बन जाते हैं, यही सीख ओटूपुर के सभी बच्चों को दी गई थी। बच्चों, यहाँ पे सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको क्या सीख दी गई थी? ये सीख दी गई थी, हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से ही, मतलब अगर हम छोटे छोटे पौधे लगाएंगे यानी छोटी छोटी कोशिश करेंगे से ही बड़े बन जाते। तो क्या बनता है? छोटी छोटी कोशिशों यानी अगर हम छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे और वो पेड़ बड़े होंगे तो उससे क्या होगा? हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हमें अच्छे फल, शुद्ध हवा, सारी चीज़ें मिलेगी। यही सीख ओटूपुर के सभी बच्चों को दी गई थी, यानी वहाँ उस गाँव के सभी बच्चों को यह सीख दी गई थी। इस गाँव के बच्चे जब 2 वर्ष के हो जाते थे तो उन्हें अपने जन्मदिन पर 2 पौधे लगाने होते थे। बच्चे जब किसी भी बच्चे का जन्म होता था या किसी भी बच्चा जब 2 वर्ष का होता था तो उसे अपने जन्मदिन पर कितने पौधे लगाने थे? 2 पौधे लगाने होते थे। इस तरह जिसकी जितनी आयु होती उससे उतने ही पौधे लगाने होते थे। हर जन्मदिन पर गांव के सभी बच्चों को भरपेट खाना खिलाया जाता था और उन्हें रिटर्न गिफ्ट यानी अपने जन्मदिन पर दूसरों को दिया जाने वाला उपहार यानी तोहफा। यानी जब हमारा जन्मदिन होता है, कोई हमें सामने से गिफ्ट देता है तो हमारे द्वारा उसको रिटर्न यानी जाते समय जो हमारे द्वारा उस तोहफा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न गिफ्ट। में नन्हे पौधे दिए जाते थे। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है कि जब किसी का जन्मदिन होता था वो अगर वो 6 वर्ष का है 6 वर्ष का है तो 6 पौधे लगाता था और अपने जन्मदिन पर भरपेट खाना खिलाया जाता था और उसको रिटर्न गिफ्ट भी में पौधे ही दिए जाते थे। उन्हें बताया जाता था कि ये नन्हे पौधे हमारी प्राणवायु यानी अगर हम जो जीवित रहते हैं हमारी सांसों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को साफ करके हमें स्वस्थ जीवन देंगे। यही कारण था कि ये बच्चे धरती माँ द्वारा दी गई खूबसूरती को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश करते थे। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे धरती माँ यानी हमारी धरती को खूबसूरत बनाने के लिए छोटे छोटे पौधे लगाते थे जिससे ही ये गांव इतना हरा भरा था। इसी कारण से इस गांव का नाम ओटूपुर पड़ा था।
और इस गांव की हरियाली और ताजी हवा से गांव को दूसरे गांव से अलग करती थी। इस गांव यानी ओडुपुर की विशेषता क्या थी? हरियाली और ताजी हवा, जो उसे दूसरे गांव से सबसे अलग करती थी। एक दिन उस गांव में जलन सी नाम का व्यापारी आया। बच्चों यहाँ पे जलन यानी जो किसी से खुश नहीं रहता, ऐसे नाम वाला व्यक्ति, व्यापारी यानी व्यापार सामान बेचने वाला। वह बहुत लालची था। इतने सारे पेड़ पौधों को देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह वहाँ के लोगों को तरह तरह के लालच देने लगा। भोले भोले गांव वाले उसकी बातों में आ गए। लाभ, लाभ यानी फायदा, लाभ का शब्दार्थ होगा फायदा। लाभ कमाने के चक्कर में पेड़ों को काटने लगे। बच्चों आपने देखा कि पहले इस गांव के बच्चों तक को ये शिक्षा दी जाती थी कि कैसे हमें छोटी छोटी कोशिशों से ही हम बड़े बनते हैं। उसी तरह इस गांव में जब एक जलन सिंह नाम का व्यापारी आ जाता है और वह लालची स्वभाव का होता है, और उसने जब इतने सारे पेड़ को देखा तो उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। और उसने वहाँ के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाया और लाभ यानी लाभ का फ़ायदा बताया कि तुम्हें इतना फ़ायदा होगा, इतने सारे पैसे मिलेंगे। लाभ के यानी लाभ के फ़ायदे में उन्होंने कमाने के चक्कर में, पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फिर उन पेड़ों को सुखाकर लकड़ी कारखानों में भेजी जाने लगी। गांव में पेड़ों पर लगे फलों को भी दवाई डालकर पकाया जाने लगा। देखो बच्चों, जब ये जलन से व्यापारी नहीं आया था तब वो लोग कितने खुश थे, लेकिन जैसे ही वो आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले पेड़ों को काटना शुरू किया, पेड़ों की लकड़ियों को सुखा कर कारखाने भेजना शुरू कर दिया। गांव में जो पेड़ों पर फल लगे हुए थे उसके ऊपर भी उसने क्या छिटकवाई? दवाई डालकर पकाया जाने लगा। लोग घरेलू खाद की जगह ज़्यादा से ज़्यादा रसायन खाद यानी जो मिलावटी होती ना, उसे कहते हैं रसायन। घरेलू यानी जो हमारे पुराने जो खाद थी उसको बनाई जाती थी, मतलब घरेलू पुराने तरीकों से बनाई जाने वाले को हम घरेलू खाद कहते थे, लेकिन रसायन जिसके अंदर केमिकल डाला जाता था उसका इस्तेमाल करने लग गई। पेड़ कटने से झूले भी कम पड़ने लगे। पेड़ों की छाया न होने से लोग और बच्चों का आपस में मिलना जुलना कम हो गया। जब पेड़ों ने छाया नहीं होने लगी क्योंकि पेड़ कट गए, बच्चों का आपस में मिलना जुलना कम हो गया। गांव के बच्चों ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, पर उनकी बात अनसुनी यानी उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। जैसे यहाँ पे शब्दार्थ बताए गए, जलन, किसी की खुशी पसंद ना आना, व्यापारी, सामान खरीदने बेचने वाला, लाभ फायदा, अनसुनी ना सुनना। तो आपने देखा कि जैसे एक लालची व्यक्ति के आ जाने से कितना नुकसान उठाना पड़ा लोगों को। पेड़ कट गए, पेड़ों को सुखाकर लकड़ी के कारखाने में भेजी जाने लगी, लकड़ी सुखाकर कारखाने में भेजी जाने लगी। पेड़ों पर से आम की फल भी कम हो गए, उस पर दवाइयाँ छिड़की जाने लगी। घरेलू खाद की जगह रासायन खाद यानी केमिकल का उपयोग होने लगा। पेड़ कट जाने से झूले कम पड़ गए,
पेड़ों की छाया ना होने से बच्चों का आपस में मिलना जुलना कम हो गया। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ओटूपुर गांव किस कारण दूर दूर तक मशहूर था? हरियाली के कारण, विचित्र पक्षियों के कारण, सुंदर घरों के कारण। तो आप बता सकते हो ओटूपुर गांव किसके लिए प्रसिद्ध था? हरियाली के लिए। बच्चे अपने जन्मदिन पर क्या करते थे? घूमने बाहर जाते थे, पौधे लगाते थे, खिलौने खरीदते थे। क्या करते थे? पौधे लगाते थे, और जो उनको गिफ्ट देता था, जो उनसे को गिफ्ट देता था उसे रिटर्न गिफ्ट में भी पौधे मिलते थे। बच्चों को क्या सीख दी गई थी? किसी को परेशान मत करो, छोटी छोटी कोशिशों से हम बड़े बनते हैं। दोनों क्या दी गई थी? ये वाली छोटी छोटी कोशिशों से ही से हम बड़े बनते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में कैसे हमने जाना कि बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों जहाँ हमने इस कहानी में बड़ों के द्वारा संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे गांव की दशा बिगड़ जाती है। इसकी अगला भाग हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।